सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारी कहानी चल रही है, जिसमें अभी तक आपने जाना कि बीरू ने किस प्रकार नैना योगिनी की साधना की और उसमें उसने 6 महीने में ही सफलता भी हासिल कर ली और इसके साथ ही साथ देवी उनकी बहन के रूप में सिद्ध हो गई। अब चूंकि वो अपने गांव जाने के लिए चलने वाला था, इससे पहले ही वहाँ उनके गांव में एक घटना घटित हो रही कि वहाँ पर एक डायन जो अद्भुत तंत्र की शक्तियों में पारंगत होती चली जा रही थी, उसने मारण क्रियाएं के द्वारा अद्भुत शक्तियाँ पैदा करने की चेष्टा की। उसने सोचा कि मैं ऐसी ऐसी अद्भुत ताकतें अपने अंदर पैदा कर लूँ, तो उसके लिए जो सबसे मैली विद्या का प्रयोग है वो उसने किया। इस मैली विद्या में संभोग रहते हुए, यानी कि किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए उसकी बलि देनी होती थी। इससे अद्भुत तरह की पैशाचिक और बहुत ही ताकतवर शक्तियाँ की प्राप्ति डायन को होती थी। तो जो डायन थी उसने यही करने की सोची और वो वहाँ पहुँचली आई। उसने पहले ही एक व्यक्ति को सबसे पहले अपने जाल में फंसा करके और गांव वालों की मर्जी के आधार पर उससे विवाह किया और उसके बाद संभोगरत होते समय उसका गर्दन काट दी और गांव वालों में प्रचार किया कि मेरा पति जीवित नहीं रह पाता है, मैं उसी को अपना पति बनाऊंगी जो मेरा पति जीवित रह जाएगा और फिर मैं उसे सारा राज्य सौंप दूंगी, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। इस वजह से सभी गाँव वाले इस बात के लिए तैयार हो गए थे। दूसरे व्यक्ति से जब उसने प्रेम प्रसंग द्वारा आँखों ही आँखों में बात की तो व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब मैं तो राजा जरूर बन जाऊंगा और भला ऐसी कौन सी ताकत है जो मुझे मार देगी। तो वो उसने फिर उस डायन के साथ में विवाह कर लिया। विवाह की रात आने पर जैसे ही सुहागरात शुरू होने को हुई, उसने एक विशेष तरह का नारियल पानी अभिमंत्रित कर पी लिया, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर कोई तंत्र मंत्र की कोई वस्तु या चीज होगी तो मुझ पर असर नहीं कर पाएगी। यह देखकर डायन घबरा गई। डायन ने सोचा कि अब यह मैं इसे मार नहीं पाऊंगी, क्योंकि जैसे ही मारने चलूंगी ये तुरंत पिए हुए पानी की वजह से मेरे राजों को जान जाएगा, इसलिए मुझे अब कुछ और ही करना होगा। तभी उसने पहले आदमी को जिसको उसने मारा था वो प्रेत बन चुका था और उससे बुलाया और उससे पूछा कि बता कि मैं अब क्या करूँ। तो वो प्रेत बोला, जिस तरह तूने मुझे दिया लेकिन इसने अभिमंत्रित जल पिया हुआ है, इसलिए तुझे इसका वशीकरण करना होगा। मेरे वध से जो पिशाचिनी तेरे पास प्रकट हो गई थी, उसी पिशाचिनी को अब तू अपने इस वशीकरण प्रयोग के लिए प्रयोग कर और जिससे ये तेरा वशीभूत हो जाएगा और संभोग के दौरान केवल शारीरिक सुख के अलावा और कुछ भी नहीं सोच पाएगा और तब तू इसकी गर्दन काट लेना। उसकी बात से खुश होकर डायन ने अपनी पिशाचिनी को अपनी मंत्रों से द्वारा प्रकट किया और उससे पूछा। पिशाचिनी सामने प्रकट होकर बोली, हे देवी, पहली बलि से मैं प्रकट हुई थी, इसलिए बता मेरे लिए कौन सी आज्ञा है, मैं तेरा कौन सा काम करूं। तो डायन ने कहा कि आज जो मेरा पति बना है इसने अभिमंत्रित जल पिया हुआ है, इसको किसी भी तरह से तो ऐसा कर कि ये वशीभूत हो जाए और मैं इसका संभोग के दौरान इसका वध कर सकूं, इसकी गर्दन काट करके चढ़ा सकूं और अपनी शक्तियों को बढ़ा सकूं। तो इस प्रकार पिशाचिनी ने कहा, ठीक है, मैं तेरा कार्य कर दूंगी। पिशाचिनी तुरंत ही उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है और उसके मस्तिष्क में एक भाव पैदा करती है, उसे बहुत तीव्र जोर से पेशाब लगती है, बार बार पेशाब लगाने की कोशिश करती। इसकी वजह से वो पेशाब के द्वारा, जिसने जो भी अभिमंत्रित जल का पानी पिया था वो सब पेशाब के द्वारा निकल जाता है और अब पिशाचिनी आकर के उसे कहती है, मैंने तेरा कार्य कर दिया है। उसका अभिमंत्रित किया हुआ जल अब उसके शरीर से बाहर निकल चुका है उसके पेशाब की वजह। अब तुम चाहो तो मैं उसके शरीर में जा सकती हूँ और पूरी तरह से उसके शरीर को कामातुर कर सकती हूँ।
तो पिशाचिनी के बात को सुनकर डायन बहुत ही जोर मुस्कुराई और उसने कहा, ठीक है जाओ तुरंत उसके शरीर में प्रवेश कर जाओ और उसके यौन अंग में अपनी शक्तियों को बढ़ा दो। जैसे ही वो शक्ति उसके यौन अंग में प्रवेश करी, बहुत ही तीव्रता के साथ वो कामातुर हो गया और इस बात को सोचने लगा कि आज तो मेरी सुहागरात है, मैं तुरंत ही अपनी पत्नी को प्राप्त करूँगा। और उस जाकर उसने तुरंत ही प्रणय निवेदन करना शुरू कर दिया। डायन भी पहले से ही खुश थी। डायन ने लाल वस्त्र धारण किए और बड़ी ही सुंदरी रूप में उसके सामने आ गई और फिर वही प्रक्रिया एक बार फिर से दोहराई गई। संभोगरत होने के दौरान उसे कोई भी होश नहीं रहा, वह आनंद में कुछ भी जान नहीं पा रहा था। बीच क्रिया के बीच उसी समय उसने अपने चाकू और लंबी सी तलवार निकाली और उसने धड़ से उसकी गर्दन अलग कर दी। इस प्रकार दूसरा व्यक्ति भी मारा गया। अब चूंकि गांव वालों को शक ना हो, इसलिए वो बिचारी सुबह के समय एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और गांव वाले वहां इकट्ठा होने लगे। गांव वालों ने सोचा कि ऐसा क्या हो गया है रात्रि में कि वह सुंदर राजकुमारी इस पेड़ के नीचे बैठी हुई रो रही है। सारे गांव वाले उसके पास पहुंच गए और जाकर के पूछने लगे, बताओ राजकुमारी जी, आखिर रात को ऐसा क्या हो गया, आप रो रही हैं, आपने तो कल विवाह फिर से किया था। उसने कहा, देखा मैंने कहा था ना, मेरे भाग्य में पति का सुख नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो गांव वाले ने पूछा कि हमारा वो आदमी आखिर है कहाँ। तो उसने कहा, वो रात को ही चला गया और कहने लगा मैं साधु होने जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे रूप से कोई मतलब नहीं है। और यह कहते हुए वो रात ही को निकल गया। पता नहीं मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि शादी होने के बाद में उसे संन्यास लेने की सूझी और वो यहाँ से चला गया। लोगों ने कहा, ऐसा व्यक्ति तो वो था ही नहीं, आखिर उसको संन्यास की क्या सूझी। फिर उसने उसके पैरों के निशान दिखाते हुए कहा कि देखिए वो पश्चिम दिशा की ओर चला गया है और कोई उसे ढूंढ कर ले आए, नहीं तो मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद है। गाँव वाले फिर आश्चर्य में पड़ गए कि वास्तव में इसके साथ तो ऐसी बात हो रही है कि बार बार ये कोशिश करती है, विवाह भी करती है, लेकिन इसका पति या तो कहीं गिरने से मर जाता है तो कभी इसको छोड़कर संन्यास ले लेता है, ये सब क्या हो रहा है। लोगों ने सोचा कि इसके पीछे क्या हो सकता है, लेकिन तभी डाकिनी ने अपने बने बहुत सारे भूत प्रेत जो उसके वश में थे, उनको जो अपने सखी और सहेलियों के रूप में बना रखा था, उन सब के द्वारा गाँव में चांदी बंटवा दी। चांदी के सिक्के काफ़ी मात्रा में प्रत्येक गांव वालों को दिए गए, इसलिए क्योंकि रानी वहां रुकी हुई थी और वो अपनी प्रजा को सुखपूर्वक देखना चाहती थी, ऐसा कहलवाया गया। जनता उससे फिर से प्रभावित हो गई और सोचने लगी कि आखिर ऐसा कौन है जो इससे शादी करे। अगर इसका विवाह इससे संपन्न, किसी का भी विवाह इससे संपन्न हो गया, न सिर्फ वो राजा बनेगा बल्कि इतनी अच्छी पत्नी को प्राप्त करेगा कि जीवन उसका धन्य हो जाएगा। जो ऐसे ही चांदी के सिक्के लोगों में लुटा रही है, वह कितनी अच्छी रानी हो सकती है। पर पता नहीं ऐसा भाग्य इसके साथ क्यों है कि इसका पति या तो इसे छोड़ जाता है या मारा जाता है। इसकी बात को सुनकर के एक बार फिर से लोगों के मन में एक भाव आया कि किसी ना किसी व्यक्ति को इसके लिए बुलाना तो पड़ेगा ही। तभी एक गाँव में एक गूंगा व्यक्ति रहता था, उसको बुला लिया गया और उससे कहा गया कि जाओ और तुम रानी से विवाह करो और हमारे राजा बनो। गूंगा व्यक्ति भी बड़ा खुश हो गया क्योंकि वैसे उससे कोई स्त्री शादी ही नहीं करती, अब उसकी शादी राजकुमारी से होने जा रही थी। वो भी बड़ा खुशी खुशी तैयार हो गया और गांव वालों को ये था कि किसी तरह से रानी की कृपा हम पर बनी रहे और इसका विवाह सम्पन्न हो जाए, साथ ही साथ हमको धन और इसी प्रकार से वस्तुएँ जो हैं मिलती रहें। तो गूंगा व्यक्ति भी उससे प्रेम में पड़ गया और वो उसके पास जा कर के कुछ ना बोला और कहने लगा। उसे देखते देखते बहुत से भावों को समझते हुए एक बार डायन ने कहा, ठीक है ये तो लगता बोल ही नहीं पाता है, इसे मारना तो बहुत ही आसान होगा। और उसने यही कोशिश कर दी। अब रात्रि के समय संभोग एक बार फिर से शुरू हुआ जब उसने उससे विवाह कर लिया, तो बीच संभोग में ही उसने अपनी तलवार निकाली और उसने कुछ भी अब की बार नज़ पर कोई मंत्र तंत्र का प्रयोग भी नहीं किया था क्योंकि वो जानती थी गूंगा है,
जब ये बोल ही नहीं पाएगा तो मैं इसकी गर्दन आराम से बीच में काट दूंगी। लेकिन वो गूंगा ये सब बातें देख करके बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया और उसने उसको धक्का दिया और वहाँ से भागने लगा। भागते भागते वहाँ से जब वो जाने लगा तो डाकनी ने कहा, जाओ इसका वध कर दो। अपनी प्रेतनी और पिशाचिनियों को आदेश दे दिया कि कहीं पर भी यह मिले उसे वध कर देना, क्यों ये किसी को हमारी सच्चाई ना बताने पाए, क्योंकि अगर इसने सच्चाई किसी को भी बता दी तो हमारी ज़िंदगी पर संकट आ सकता है और मेरी तंत्र क्रिया यहीं बीच में रुक सकती है। इसलिए पिशाचिनियों ने उसको दौड़ाना शुरू कर दिया। वह भी सामने एक घोड़े को देखा और उस घोड़े पर चढ़ गया और बहुत तेज़ी से वो घोड़ा दौड़ाने लगा। कुछ देर बाद पिशाचिनियों की पूरी सेना उसके पीछे लग चुकी थी। तभी सामने से वीरू आ रहा था जो अपने गांव में वापस आ रहा था। वो यह सब देखते हुए कि कोई घोड़े पर दौड़ता हुआ सा आ रहा है बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गया। तभी वो व्यक्ति उतर के उस घोड़े से तीव्रता से उस व्यक्ति के पास यानी कि वीरू के पास आया और कहने लगा, मुझे तुम तेजस्वी और साधु पुरुष जानने लगते हो और मुझे इस चीज़ों से मुक्त करो। हालांकि वो शब्द से बोल नहीं पा रहा था लेकिन उसके भावों को, क्योंकि तंत्र की शक्ति के माध्यम से उनके पास नैना योगिनी की शक्ति थी, इसलिए ये उसकी मुख भाषा को यानी कि जो वो बोल नहीं पा रहा था, जो समझा भी नहीं पा रहा था, ये बात को पूरी तरह से समझ गए और उसे सांत्वना देकर उसे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है तुम मुझे पूरी बात बताओ और मैं तुम्हारी सारी बातें तुम्हारे इशारों से ही समझ जाऊँगा क्योंकि मेरे पास शक्ति है। फिर उसने अपनी गूंगी सी अजीब तरह की आवाज़ में ऊँग 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 करते हुए सारी बात समझा दी और जिसको वो पूरी तरह से समझ गया क्योंकि उसके पास तंत्र की शक्ति थी। मंत्र को से अभिमंत्रित कर ध्यान करते हुए तुरंत ही उसने अपनी बहन को याद किया, वीरू ने, और वीरू के याद करते ही उसकी बहन वहाँ पर प्रकट हो गई अत्यंत तेजमय स्वरूप में, एक कन्या के रूप में वहाँ पर प्रकट हुई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सामने वाले यानी कि उस गूंगे व्यक्ति को कुछ भी पता चले। तो वो पीछे से झाड़ियों से निकलते हुए कहीं आई और भाई कहने लगी, भैया आखिर कहाँ जा रहे हो, समस्या क्या है और ये व्यक्ति कौन है? तब वीरू ने कहा कि सारी बात ये है और मैं अब क्या करूँ। तब तक वहाँ प्रेतनी और पिशाचिनियों की सेना आ चुकी थी और वो पूरी तरह से हमला करने को तैयार हो गई। प्रेतनी और पिशाचिनियों ने तुरंत ही भेड़ियों, बाघों और जंगली जानवरों का रूप, जंगली सुअर वगैरह का रूप धारण करके तेजी से इनके ऊपर हमला किया। नैना योगिनी के होते हुए भला वीरू पर कोई संकट कैसे आ सकता था? मुंह से बहन शब्द निकलते ही तीव्रता से नैना ने एक लकड़ी ली और उसको चारों तरफ से एक बड़े से गोला बना दिया और उस गोले के अंदर वो तीनों के तीनों खड़े हो गए। जैसे ही वो खड़े हुए, जानवर जैसे जैसे उनके नज़दीक आते गए, एक भीषण अग्नि की ज्वाला उनके चारों तरफ प्रकट होगी। जैसे ही वो उस गोले में प्रवेश करते, जलकर मर के समाप्त हो जाते। इस तरह करते करते पूरी सेना ही जलकर समाप्त हो गई और पहली बार वीर को भी एहसास हुआ कि स्वयं में नैना योगिनी कितनी अधिक शक्तिशाली हैं। ये तो साक्षात देवी का स्वरूप हैं और इन्होंने इनकी शक्ति के माध्यम से सिर्फ एक चक्र में अपने हम लोगों को एक सुरक्षा चक्र में इस तरह से सुरक्षित किया कि जो भी उस चक्र से आकर उस रेखा से टकराता गया उस रेखा में आकर तुरंत ही भस्म होता चला गया। अब योगिनी ने कहा कि भैया गांव जाना ठीक नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि वहां पर कोई बहुत बड़ी नकारात्मक शक्ति का निवास हो गया है, हमें चाहिए कि हमें कहीं और जाना चाहिए। पर वीरू ने कहा, दीदी जब आप मेरे साथ हो तो भला मुझे किस बात का डर है, इसलिए आप मेरे साथ रहिए, मेरी सहायता कीजिए और इस समस्या से हम सबको मुक्त कराइए। ऐसा कहते हुए वो उसने प्रार्थना की तो इस बात से प्रसन्न हो करके नैना ने कहा कि हाँ ठीक है, अगर तुम चाहते हो भैया तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी समस्याओं को ख़त्म करूँगी। ठीक है चलते हैं गाँव में, देखते हैं आखिर ये सब गांव में हो क्या रहा है। इस प्रकार से दोनों भाई बहन उस गूंगे व्यक्ति को जो बोल नहीं पाता था उनके साथ में लेकर के गांव में प्रवेश कर जाते हैं।
गांव में अजीब सा माहौल था। सभी घरों में लोग अपने सिक्कों और पैसों रुपयों के लिए इतने ज़्यादा व्याकुल थे कि उन्हें अलग अलग जगहों पर सबने छुपाया हुआ था। और इस तरह करते करते उन सबको देखते हुए आखिर बीरू अपने घर में पहुंच गया और उसने अपने घर का किवाड़ा खोला और अपनी माँ पिताजी से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और साथ ही साथ उसने बताया कि मुझे मेरी बहन मिल गई है, देखिए। तो गांव वालों ने और बाकी जो उसके माता पिता थे, परिवार वाले थे, वो सब देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि कहाँ से कोई लड़की ये ले आया है। और फिर जब ऐसी बात आई तो तुरंत ही नैना देवी के रूप में, नैना योगिनी के रूप में जो शक्ति थी, वो उन्होंने तुरंत ही कहा, सुनो, मैं ने इसे स्वयं भी अपना भाई माना है और मेरा ज़िंदगी में कोई भाई नहीं था। आज मुझे माँ बाप भी मिल गए हैं तो मैं सबकी सेवा करूँगी। और कहते हुए तुरंत ही रसोई में प्रवेश करके व्यंजनों की व्यवस्था करने लगी। थोड़ी देर बाद अद्भुत सुंदर और चमत्कारी व्यंजनों का प्रसाद तो उन्होंने सबको दिया, अर्थात सबके लिए भोजन बना करके लेके आई। उसकी तारीफों के पुल सारे लोग बांधने लगे कि इतनी अच्छी लड़की को बहन बना के व्यक्ति लेके आया है जो अत्यंत ही खाना बनाने में निपुण है। सब उसकी तारीफें करने लगे और नैना ने भी प्रसन्न होकर कहा कि आज मेरा परिवार संपूर्ण हो चुका है क्योंकि मुझे भाई के साथ में माँ और पिता भी मिल गए हैं। तब तक ढिंडोरा फिर से पिट गया कि तीसरा पति भी आज भाग गया है। तो गांव में सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। अब इसके बाद आगे क्या हुआ जानेंगे अगले भाग में। तो अगर आपको ये जानकारी और ये कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।